अरे फिशीज हैं गाइस, कुछ बहुत भयंकर आ गई भाई इसकी। मुझे वहां पे कुछ दिखाया भी। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। तो गाइस चलिए व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज संडे है और टाइम हो रहा है शाम के 4। अनप्लान ट्रिप के लिए हम आए हुए हैं, एक अनप्लान राइड के लिए आए हैं। सिनेमैटिक्स मैंने आपको रास्ते के दे ही दिए और हम एक पॉइंट पे रुके हैं अभी। इसके बाद हमें एक और पॉइंट पे जाना है। व्यू मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का कितना अच्छा है फर्स्ट पॉइंट का। बट वहाँ पर मतलब इतने सुंदर पहाड़ हैं, मैंने आपको दिखाए। अभी इधर ऊपर पे एक पॉइंट है, यहाँ पे लोगों ने इतना मतलब गंद कूड़ा करा हुआ है गाइस। मतलब हम कहीं भी जाते हैं ना, अपने साथ लेके आते हैं एक बैग अलग ही रखते हैं, डस्टबिन बैग। तो गाइस ये है वो पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था। ये देख सकते हैं बाहर भी लोगों ने कितना गंद पाया हुआ है। वहाँ का व्यू, वहाँ सामने है स्टोन। ये स्टोन से थोड़ा सा अलग रूट है, मालगी नाम है जगह का गाइस। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, यहाँ पे लोगों ने बहुत सारा गंद कबाड़ किया हुआ है, ड्रिंक वगैरह करके, पानी की बोतल। ये तो डिकम्पोज भी नहीं होगी चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे, पन्नी वगैरह वो देख सकते हैं आप नीचे। मतलब इतने देख सकते हैं आप कितने सुंदर सुंदर पहाड़ों को, और पास से देखो तो ऐसा किया हुआ है लोगों ने। जो बाहर से लोग आते हैं, लोकल बंदा तो कोई ऐसा करेगा नहीं। ये मेरे गाइस हमारी स्कूटी और ये सारा सामान, लकड़ी वगैरह हम वहीं से ही ले आए थे, क्योंकि हमारे साथ हमेशा स्कैम हो जाता है कहीं पर जाते हैं गीली लकड़ी, क्योंकि बारिश भी हुई थी इसलिए हम घर से लकड़ी ले आए थे। अगर यहाँ ढूंढते तो गीली लकड़ी मिलती, इसलिए हम मैगी वैगी और ये मेरा बैग सब संभाल लिया है। और भाई और नीचे चले गए हैं अभी, मैं उनसे भी मिलवाता हूँ आपको। निकल चुके हैं हम यहाँ से और ये हैं आयुष भाई और उनके दोस्त। अभी हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेचुरल एलिफेंट बना हुआ है, शेप देखो इसकी बिल्कुल एलिफेंट जैसी है। कोई वाइन है, बेल है कोई, ये बहुत खूबसूरत, दूर से तो और भी अच्छा लग रहा था ये। अभी आ गए हम अपने दूसरे स्पॉट की तरफ, सामने देख सकते हैं आप। अभी साथ में लकड़ी तो लाए थे हम, बट थोड़ी सी लकड़ी और चाहिए, तो भाई कर रहा है लकड़ी तोड़ने की तैयारी। हाँ हाँ लास्ट में बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी करके लकड़ी निकल रही है इसमें से। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं बादल उधर। भाई ये और लकड़ियाँ लेने जा रहा है। व्यू बहुत शानदार आ रहा है यहाँ पे, और चूल्हा बनाने की चल रही है तैयारी ऑलरेडी। यहाँ पे एक ये डाट पड़ा हुआ था, इसमें भी से भी कुछ काम आ जाएगा हमारे। गाइस इतना चूल्हा रेडी हो रहा है, आप सिनेमैटिक एंजॉय करो यहाँ के, बहुत शानदार व्यू है। कमेंट में बताना आपको ये व्यू कैसा लग रहा है। बस ये है इनका फूड बैग सर, इतना सारा। अरे इतने की तो जरूरत भी नहीं थी यार, मैंने जो कहा। हम जा रहे हैं बर्तन धोने के लिए। बस डन, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कट रहे हैं यहाँ पे प्याज। ये गांव के खेत का टमाटर है और बड़ी टमाटर, और ये है सारे मसाले। बहुत दिक्कत हो जाती है बाहर कटिंग करने में, इससे इजीली हो रहा। ये वाली एक्स है कैंपिंग एक्स, जो कैंपिंग में बहुत मतलब छोटी सी है। नॉर्मली एक्स बड़ी होती हैं, कुल्हाड़ी बड़ी होती है, पर ये बहुत छोटा साइज़ है। पेड़ नहीं काटते, जो नीचे पड़े हुए होते हैं उनकी कटिंग करने के ये काम आता है। बुझ गया है तो कपूर, कपूर नहीं सुनो, चुप हो जाए कपूर रखा। गाइस प्रॉपर अदरक लहसुन मिर्च टमाटर और प्याज बनेगी मैगी, और चाय भी अदरक वाली बनेगी क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है। पोंटा से थोड़ा हाइट पे हम, और कढ़ाई रखी जा रही है अभी मैगी के लिए। मैगी के बाद बनाएंगे चाय,
भाई साहब खुशबू आ रही है इसमें। मेरा पर आ रहा। पैनल कहाँ है? पैनल अच्छा पानी था ना इसमें इसलिए। यार पैनल कहाँ है वो जिससे मैं जो दिखा रहा था वो लकड़ी का पैनल। क्या वही गूगल का पैनल। तेल कम नहीं है यार ये? बड़ी मस्त खुशबू आ रही है भयंकर प्याज की। सही में मेरे तो नाक बंद है। बीच में डालना, बीच में अलग से भून इनको। थोड़ी कम पकड़ रही है भाई। हर बार की तरह हल्की हल्की बारिश हो रही है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है हमारे साथ। रियल एडवेंचर में बदलता जा रहा है। हां रियल एडवेंचर में बदल रहा है सही बात। और बादल सही, बादल इतने हैं नहीं यार। पीछे बादल क्लियर है। हाँ पोंटा साइड तो क्लियर है बादल, और इधर भी इतने वो नहीं है यार। अभी नहीं हो रही बारिश, ये तो बहुत कम है, तो ऐसे ही करेगा। हाँ मिर्च वाली मैगी बढ़िया एकदम। हाँ थोड़ा दूर होके कर ले खाने का। हो गया लकड़ी तो है, इसमें क्यों डाल रहा है यार? गंदी तो है बाहर। ओ तो इस तरह बोल रहा है और घुमा किस तरह रहा है तू? लकड़ी दे तू मारे। साफ है गए। तेल में बोल रहा है, माइक्रो बाल देगा तेल में, डेड हो जाएगा। इतनी साइंस क्यों कर रहा है? पर इसके आसपास मत कर, मिट्टी भी गिर सकती है। इसके बाद आपको चाय भी पिलाएंगे हम। चाय पिलाएंगे एकदम मसालेदार चाय, अदरक वाली। मेन इंग्रेडिएंट डल चुका है, उबाला भी आ चुका है, अब डालेंगे इसमें। इतनी टेस्टी है, अगर तुम यही सूप पी लोगे ना मजा आ जाएगा। हाँ सही बात। स्पून्स नहीं मिले हैं तो मैं अभी नेचुरल स्पून्स बनाऊंगा वुड से। स्पून बनेंगे अब। मैगी भी रेडी होने वाली है हमारी, और भाई ने बना दिया है ये नेचुरल फोक। अभी इसको वॉश करेंगे हम। वॉश करेंगे प्रॉपर तरीके से। गाइस मैगी उतार लिया हमने, डे लाइट भी ख़त्म हो गई है, रात होने वाली है, आपको वीडियो में फ़र्क भी लग रहा होगा। चाय का पैन रख दिया है हमने, हो गया गरम। ये चार आइटम आपके पास होनी चाहिए तब आप चाय का मज़ा ले सकते हैं। दूध का पैकेट, काली मिर्च, इलायची, किसे कैसे काली मिर्च और लौंग। सबसे पहले मैं डालूंगा और अदरक। अदरक चाय में, इलायची वो मैं काट के भी डाल देता हूँ। उसके बाद डाल रहा हूँ मैं ये लौंग। नाक बंद है तब भी खुशबू आ रही इसकी। इलायची चाय है स्पेशल, स्पेशल इलायची चाय। बस गाइस चाय का चाय वाला कलर आ गया पूरा। पैर बैठा ले, ये ले भाई। थैंक यू। कैसा लग रहा है टेस्ट? टेस्ट बहुत अच्छा है गाइस। टेस्ट तो अच्छा ही लगेगा क्योंकि अपनी मेहनत लगी हुई इसमें। मस्त बन गई, बाहर नहीं आई, सबसे बेस्ट चीज है। बाहर तो आएगी, अभी नहीं आएगी, गारंटी दे ले। गाइस उबाल आ चुका है चाय में, और देखने भी बहुत टेस्टी लग रही है। मैगी हमारी ख़त्म हो चुकी है, अब चाय के मजे लेंगे हम साथ के साथ। ये पैकेट सील करके रखने हैं ताकि कुछ भी खराब ना हो। गाइस अब कैसे सील करते हैं? चाय डाल रहे हैं नेगी जी। गाइस चखो। और गाइस मुझे वहाँ पे कुछ दिखाया अभी। सूर्योदय के टाइम पे भूत की चांस भी आपके रहते हैं। ये पानी में डुबा के लिया करो। तो काढ़ा है, काढ़ा। अरे फिशीज हैं गाइस, दिख रही हैं आपको? मजेदार यार। मछलियां हैं भाई यहाँ, मछलियां। गाइस उठा लेते हैं अपनी चाय। लाइट दिखा दी मेरे को लास्ट टाइम, सबसे मेन चीज गरम। गाइस ऐसी चाय मैं फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ। चारों तरफ देख सकते हैं, हमने कोई भी कूड़ा नहीं पिलाया यहाँ पे। नेचुरल थिंग्स है जो कि ऑटोमेटिकली, जैसे अभी हमें बॉटल्स ले जाने में दिक्कत होगी तो मैं शायद ये भी, मतलब हमारे साथ में ले जाने के लिए बहुत सामान है इसलिए यहीं पे ही सब हम डिस्पोज करके जाएंगे ये सब। ये बर्तन धो लेते हैं हम। गाइस हमारे बर्तन हो चुके हैं वॉश और अब हम निकलने की तैयारी में हैं यहाँ से। लिटरली कुछ भी नहीं छोड़ा हमने यार, नैसा था वैसा ही है, और अच्छा हो गया है लोगों के लिए आगे लाने के। चिन्नी भी चींटियों को देके लास्ट में जो है हमने वो यहाँ पे डाल दिया चिन्नी। और गाइस हम करते हैं अपनी डेस्टिनेशन को बाय बाय, चलो भाई। तो गाइस मैं आ गया हूँ घर। होप आपको ये ट्रिप शॉर्ट राइड अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा एंजॉय किया, संडे था। ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।